नाम का है तुम्हारा? साक्षी। तुम्हारा बच्चा? बच्चे का नाम चीकू। चिराग। हाँ, चिराग लेकर भी आप ढूंढोगे तो भी इतना प्यारा चीकू नहीं मिलेगा। चीकू का नाम चिराग है। आगे बढ़े। तो तुमने ये बच्चा हमारे घर के बाहर रखा था? उसके पापा के घर के बाहर। चिराग आपके पति का बच्चा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, मगर हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रही हो? आपको क्या लगता है कोई भी पढ़ी लिखी शरीफ खानदान की लड़की इस तरह का झूठ बोलेगी? क्यों बोलूंगी मैं झूठ? क्या फायदा है मुझे झूठ बोलकर? सॉरी, पर इनके पति कोई बिजनेस टाइकून तो है नहीं जो पैसों के लालच में आकर मैं ये सब करूंगी। और ना ही ये दुनिया के सबसे ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग आदमी है जिन्हें पाने के लिए मैं थर्ड क्लास चाल चलूंगी। एक औरत ही बता सकती है ना कि उसके बच्चे का पिता कौन है, तो मैं वही बता रही हूँ। चिराग के पिता आपके हस्बैंड हैं, और यही सच है। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई इस बात को मानता है या नहीं। देखो लड़की, तुम ना हमें जानती नहीं हो, एक बात कान खोल के सुन लो। आप सुनिए, इनके हस्बैंड जाइना एंटरप्राइज में सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर काम करते हैं। प्राइवेट मार्केटिंग से लेकर मर्चेंट नेवी की सारी सप्लाई का काम देखते हैं। 11 महीने पहले उनका दुबई में आना हुआ, वही मैं उनसे मिली थी। फेवरेट कलर ब्लू, फेवरेट फूड माँ के हाथ का बना राजमा चावल, फेवरेट डेस्टिनेशन मसूरी। एक मिनट, फेवरेट ऑथर? नेहा मुक्की। फेवरेट मूवी? मदर इंडिया। स्कूल सेंट बावरा देहरादून, कॉलेज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। झूठ बोलते हैं तो हकलाने लगते हैं, और सच बोलते हैं तो लाउड बोलने लगते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर बकवास। इंटरनेट से पता किया क्या? नहीं, वो पुष्पा जी की लल्ला जो है वो अपनी प्राइवेसी एंजॉय करते हैं या इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे, कहीं भी नहीं है। तो कैसे पता ये सब? पता नहीं, अभी 15 दिन पहले तो बात हुई थी ना आपकी उनसे फोन पर। सॉरी, झगड़ा हुआ था और आपने कहा था कि आपके पति अब पहले जैसे नहीं रहे, जैसे वो शादी के पहले हुआ करते थे। और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था आपके बारे में। और ये सब मुझे कैसे मालूम? वो ऐसे मालूम क्योंकि आपके पति मुझसे हर बात शेयर करते हैं, और आपके पति इस बच्चे के बाप हैं, और मैं जो भी कह रही हूँ उसका एक एक शब्द सच है, और सिर्फ सच। डीएनए रिपोर्ट आ गई है। क्या है? पॉजिटिव। अगर ये बच्चा लल्ला का है तो आज से लल्ला ही हमारी औलाद नहीं, हम उसे अपने दिल से, अपने घर से सबसे बेदखल करते हैं। ले जाओ, ले जाओ इस बच्चे को, अपने साथ लेके जाओ, अभी इसी वक्त लेके जाओ, जाओ। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है माँ जी, आपका बेटा इस बच्चे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ना ही वो मुझसे कभी शादी करने वाला है। और वो इसलिए क्योंकि वो आपके बहू से प्यार करते हैं, करिश्मा सिंह से प्यार करते हैं, और ये बच्चा सिर्फ उनके लिए एक भूल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उनके इस भूल का बोझ मैं अकेले क्यों उठाऊं? कहां ले जाऊं इस बच्चे को, आप ही बताइए। जब ये बड़ा होगा तो मुझसे पूछेगा इसका पिता कौन है, तो मैं क्या बताऊंगी? हम कुछ नहीं जानते, तुम अभी इसी वक्त इसे यहां से लेके जाओ, बस लेके जाओ। जी कहीं नहीं जाएगा, बच्चा यहीं रहेगा। क्या? ये आपके लल्ला की भूल हो सकती है, लेकिन हमको ऐसे लग रहा है कि ये आपके लल्ला का जिम्मेदारी है। इस बच्चे को इसके हिस्से का परवरिश मिलना बहुत जरूरी है, और मिलना ही चाहिए जब तक आपके लल्ला वापस नहीं आ जाते, फिर बच्चा यहाँ रहेगा। क्या कह रही हैं आप? ट्रस्ट मी, किसी को ठेस पहुँचाना, किसी का घर तोड़ना मेरी मंशा नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि आपके पति पहले से शादीशुदा हैं तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्यों? क्या किया ये? क्यों किया आपने? ये बच्चा लल्ला, क्या किया ये तुमने लल्ला?
गुड न्यूज, करिश्मा सिंह ने बच्चा रख लिया है। नाउ वी आर फ्री। हाय गदेवा, जाओ तुम यहाँ से। मेरे को तेरे से बात करने का। हमको किसी से बात नहीं करने का। मैं अच्छे से जानती है कि तू मेरे बारे में क्या सोचती है। तेरे को लगता है मैं अनपढ़ है, गवार है, वड़ा पाव बेचती है, एक नंबर की। जैसी भी है, जो भी है, लेकिन फिर भी मैं है तो औरत ना, और मैं अच्छे से समझ सकती है कि इस वक्त तेरे पे क्या गुजर रही है, तू क्या फील कर रही है, इस वक्त तेरे अंदर क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ तो बता दे, कुछ तो बता, क्या चल रहा है तेरे मन में, थोड़ी हल्की हो ना। इतना कुछ जानती हूँ हमारे बारे में तो ये भी जानती होगी कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तू चल मेरे साथ, चल 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 चल। अरे चल ना। देख आसपास कोई भी नहीं, तू चीख, तू चिल्ला, तू सवाल कर, तू बवाल कर, तू अपने पति को गाली दे, उस लड़की को कोस जिसने तेरा घर तोड़ा है, तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, लेकिन तू ऐसा नहीं करेगी। जानती है क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके लिए तू अपने पति को और उस लड़की को जिम्मेदार मानती ही नहीं है। तू खुद को मानती है। तुझे लगता है कि लगता नहीं है, हम ही जिम्मेदार हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। उसमें उस लड़की का कोई गलती ही नहीं है। वो लड़की नहीं होती तो उसकी जगह कोई और लड़की होती ना, लेकिन ये होना ही था। जब उन्हें हमारा साथ चाहिए था तब हम कभी भी घर पे नहीं थे, हम हमेशा अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वो सिर्फ फ्रिज पे पड़े उस फ्रेम को देखते थे, उसमें हमारी फोटो को देखते थे। हम थे ही नहीं कभी उनके लिए, तो हम ही जिम्मेदार हुए ना। ऐसा नहीं है चाटक चांदनी। देख, जिसे धोखा देना होता है ना, वो धोखा दे देता है और उसके बाद उसे जस्टिफाई करने के 50,000 अच्छे बेहतरीन रीजन ढूंढ लेता है। इसलिए प्लीज सबसे पहले तो इस सब के लिए खुद को दोषी मानना बंद कर। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो लड़की जो है वो झूठ बोल रही है? तुम्हें लगता है कि उसने जो कुछ भी बताया वो सच नहीं? सच क्या है चटक चांदनी, सबका अपना अपना वर्जन है, सबका अपना अपना नजरिया है। जो बात तेरे लिए सच है वो जरूरी नहीं है कि मेरे लिए भी हो। जो आंखों के सामने साफ साफ दिखाई दे रही है, जिसके नाम पर सबूत भी है, वो भी झूठ हो सकती है। जरूरत है तो उसे और ज्यादा गहराई से देखने की। सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि तेरा पति ऐसा कुछ करता है। मतलब जितना मैंने उसके बारे में सुना है तेरे मुंह से, पुष्पा जी के मुंह से, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता है। जरूरत है हमें और कुरेदने की और पता लगाने की कि जो दिखाई दे रहा है उस सबके पीछे की असली सच्चाई आखिर है क्या। अम्मा पता का लगाना है, सामने ही तो है सब कुछ सच, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सूरज के आगे पीट कर लोगी तो उसका तपिश कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, यही सच है। झूठी तसल्लियां हमको मत दो तुम। नहीं नहीं, अरे चटक चांदनी, गड़बड़ कुछ और है। सच्चाई का पता हम लगा कर रहेंगे। अरे पुष्पा जी, अरे पल भर के लिए हमें ऐसा लगा कि हम ना अपनी हवेली के आंगन में आ गए हैं और हमारी जो ताजी ताजी बेगमें हैं वो ताजी ताजी हमारी औलादों को ताजी ताजी लोरियां सुना रही हैं। आप बताइए, आप अचानक कैसे आ गए? हमें ये लगता है कि आपको किसी अपने की जरूरत थी बस, और इस मुश्किल घड़ी में हम आपकी अफवाह अफजाई करने आ गए हैं। मुश्किल घड़ी? कौन सी मुश्किल घड़ी? ये बच्चा, अरे इसी बच्चे ने तो आपको परेशान करके रखा है ना। बच्चे के बारे में आपको कैसे पता? अरे पुष्पा जी, जो जिसे चाहते हैं ना उसकी पूरी खबर रखते हैं। अरे छोड़िए इन बातों को, अरे कहना ईश मुश और बच्चे जा छिपाए नहीं छिपते हैं। और हाँ पुष्पा जी, अरे हमको तो ये भी पता है, कोई खातून थी ना वो आपके इस बच्चे को जो आपके घर पे छोड़ गई थी, उसने ये कहा था ना कि भाई ये जो लल्ला है ये आपके लल्ले का लल्ला है ना। अरे ये तो होना ही था क्योंकि इसके आसार हमको पहले नजर आ रहे थे। मतलब ये कि जो आपकी बहू करिश्मा है ना, अरे वो फोन पे आपके लल्ला को ऐसे झाड़ रही थी कि हम क्या बताएं। अरे दोनों में ना बहुत बहसबाजी चल रही थी। अरे उसी दिन, अरे हम तो ये समझ गए भाई कि अब ये जो गाड़ी है वो बहुत लंबी जाने वाली नहीं है, ये तो पटरी को खाल फेंकेगी। बिल्लू यहाँ जरा, बच्चे को ले लो। ये देखिए एक्शन सिनेमा पुष्प। नवाब साहब। पुष्पा जी, क्या है ना, हम ना आपको बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान करते हैं आपका, मगर
अगर आपने हमारी बहू और हमारे लल्ला के बारे में एक और शब्द कहा ना हो तो फिर यहाँ खड़े खड़े आपको नवाब फखरुद्दीन की जगह मरहूम नवाब फखरुद्दीन बना देंगे, समझ गए आप? अब ये सब आपको किसने बताया ये आप बताएंगे कि हम अपने तरीके से निकलवाए आपसे? ये जो है ना ये अरे हमारी बेगम ने हमें बताया था। और उनको कैसे पता चला? मलाइका से। मलाइका इनके भी घर काम करती है ना। अरे हाँ पुष्पा जी, मलाइका और बेगम की उसकी बहुत जमती है और 2400 घंटे ना ये मोहल्ले की बुराई क्या करती हैं और उसी ने हमारी बेगम के कान भरे। हाँ ठीक है बिल्ले करिश्मा जी को फोन लगा। ए पोपट पंची फोन लगा। लगा फोन लगा फोन लगा फोन दुकान में रखते हैं अपना लगाओ। अरे कोई फोन लगाएगा? काय झालं, क्या किया उसने बिचारी ने? अरे बड़बोली है ये, इतना बड़बड़ करती है। पॉलिटिक्स में चले जाओ ना, नेता बन जाओ ना, जाके इतना बड़बड़ करने का शौक है? हमारे घर की बातें इधर उधर करने का मतलब क्या हुआ बताओ हम? अरे तो आपको भी दूसरों के घर की बातें बताती हूँ ना। तो किसने कहा कि दूसरों के घर की चुगली करो हमारे यहाँ? किसने कहा? अरे और कौन कहेगा, हम बात तो पूछती रहती है। चुप हो जा, चिकू सो रहा है ना अंदर? हाँ। नहीं वो हम तो सिर्फ इसीलिए पूछते हैं कि हमें भी तो पता चले ना कि दूसरे लोग हमारे घर के बारे में क्या सोचते हैं, वो हम ऐसे आ रहे थे। हाँ, और उनकी मन की जानने के लिए हमें हमारी घर की बुराई करनी पड़ती है। वाह क्या लॉजिक है, ये तो है। लेकिन अरे आपको पता है नवाब साहब की तरह साक्षी को भी सब कुछ इसने बता दिया है। हा? कौन साक्षी? अरे वही साक्षी जो पतली सी सुंदर लड़की है एकदम हीरोइन की तरह, अगर साड़ी पहनेगी ना तो एकदम आदर्श बहू लगेगी। मगर करिश्मा जी की तरह नहीं, ये ही सबसे ज्यादा आदर्श बहू है। रहती कहाँ है आपकी ये आदर्श साक्षी? लाल कुआ बनो मत ज्यादा कि तुमको नहीं पता है। लाल कुआ? हम वहाँ काम नहीं करते। काम नहीं करती तुम्हारी सखी सहेली तो करती होगी। तुमने उसको बोला, उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, ऐसे करके सबको पता चल गया। नहीं अम्मा जी, हमारी कोई लड़की वहाँ काम नहीं करती। पक्का? एकदम 100% पक्का। हमारी कौन सी लड़की कहाँ काम करती है, किस घर में जाती है, हमें सब पता है। इसने नहीं बताया तो फिर हमारे लल्ला के बारे में इतनी सारी जानकारी उसको कैसे पता चली? एक मिनट पुष्पा जी, मारना नहीं अभी, मारना नहीं। बहुरिया सच बताना है ना, सच बताना हमें कि तुम्हारी लड़कियां किन किन के घर काम करती हैं, उनके नाम चाहिए हमें अभी के अभी। चेतना भाभी, सुनीता और भाभी, ख्याति जोशी, नवीन दुबे और राम जी। एक मिनट आखिरी के तीन नाम कौन से बोले फिर से बताओ? बल्लू अंकल, नवीन दुबे और राम जी। नवीन दुबे, ये नाम किधर तो सुना हुआ लग रहा है मेरे को। माता रही? हाँ, आइटम। आइटम किधर सुना है, किधर सुना है, किधर सुना है? एक्सक्यूज मी, डॉक्टर नवीन दुबे? उस तरफ। ओके, एक्सक्यूज मी, आप डॉक्टर नवीन दुबे हैं? जी बोली। डीएनए रिपोर्ट आ गई है, पॉजिटिव। धीरे धीरे, चिकू सो रहा है ना अंदर। याद आ गया मुझे, याद आ गया। अभी ये पूरी पिक्चर मेरे आंखों के सामने पूरी फुल क्लियर हो गई है। ए सुन सटक संग, नहीं तेरे को नक्की ये बच्चा नहीं चाहिए ना। हाँ चीकू नाम है उसका। अरे चीकू, संतरा, अनार, जो भी हो उसका नाम, बच्चा नहीं चाहिए ना तेरे को, तो इस प्रॉब्लम से निकलने का मेरे को एक रामपाट आइडिया क्लिक हो गया। क्या आइडिया है? तेरे पति की इस लड़की से शादी करा दे, पति भी उसका, बच्चा भी उसका, प्रॉब्लम खत्म, केस क्लोज, कर्टन डाउन। अम्मा भाग, हम हमारे लल्ला की शादी उस नालायक से नहीं कराएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं। शादी कराने का नाटक करने का है, सच में थोड़ी ना कराने का है यार, मैं क्या पागल है क्या? नहीं मगर अगर लल्ला के साथ शादी करनी है तो लल्ला को कैसे बुलाएंगे, वो तो बीच समंदर में है ना, इतनी जल्दी वो कैसे आ पाएगा? अरे दिल पे हाथ रख के पूरी शिद्दत से पुकार, तैर कर आएगा तेरा लल्ला। अच्छा यहाँ क्यों लाए हो मुझे? यहाँ तुम्हें इसलिए लाया गया है क्योंकि तुम्हें तुम्हारा बच्चा लौटाना है। क्या मतलब? आपने तो कहा था बच्चा अपने पास रखेंगी। कहा था, बिल्कुल कहा था, लेकिन अब नहीं रखेंगे। मतलब? मतलब ये बच्चा तुम्हारे पास होना चाहिए क्योंकि तुम इस बच्चे की माँ हो, और ये बच्चा तुम्हारे पति के पास होना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे का बाप है। हाँ, पर आपके पति तो ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। लेकिन अब उठाना चाहते हैं, अब तुमसे शादी भी करना चाहते हैं। तुम्हें अपने बच्चे के लिए बाप चाहिए था, वो तुम्हें मिल गया है। तुम्हें प्यार चाहिए था, वो भी तुम्हें मिल गया। तुम्हारे दोनों हाथ घी में है और तुम्हारा जो सर है ना वो कढ़ाई में है, तो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो गया। हाँ हाँ, सब तो मिल रहा है तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें बताओ।
पर वो तो बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हैं ना? गए थे, लेकिन तत्काल में बुलाया हमने उनको। हमारे पतिदेव और तुम्हारे प्रियतम, वो देखिए। हाजरीन की अम्मा को लल्ला का सलाम। कैसी हैं आप मोहतरम? इतने वक्फे के बाद आपको देखकर हमारा दिल गदगद हो गया। आप हमारा दिल, हमारा जान, हमारा जिगर का टुकड़ा, हमारा नूर नजर, हमारा पैकर वफा, हमारा दिल का खजूर, हमारा ऊंट का बच्चा। बहुत याद आया हमको तुम्हारा। ये जाने जिगर, ये सब तब नहीं याद आ रहा था जब उनके साथ रोमांस लड़ा रहे थे आप। आपका नाराजगी जायज है मोहतरमा, हमसे गलती हुआ है, हमने तुमको धोखा दिया है, लेकिन हम क्या करता मेरी जाने जिगर, हम दिल के हाथ तो मजबूर था। हमको इस बला की खूबसूरत से मोहब्बत हो गई। मारो मेरी जान, हमको मारो, हम इसी के लायक है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमारा दिल इसके प्यार में पागल है मेरी जान, हम इससे शादी बनाएगा। हम तुमको तलाक का पेपर भेज दिया, वकील थोड़ा दिन में लेकर आता ही होगी। वाला हमारी यूटरी, हम तुमसे शादी बनाएगा, हम लोग रेगिस्तान में टहलने जाएगा, तुमसे शादी करेगा। मुझे नहीं करनी है शादी। अरे ऐसे कैसे नहीं करोगी? हाँ तुमको करनी पड़ेगी शादी। जबरदस्ती? मैंने कहा ना मैं शादी नहीं करूंगी। अरे ये तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं है क्या? नहीं है। नहीं कैसे नहीं है? डीएनए रिपोर्ट आया है ना, उसमें तो ये लिखा है कि ये तुम्हारे बच्चे का बाप है। रिपोर्ट झूठी है। हैं? अच्छा तो अगर ये तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं है तो फिर कौन है? वही जिसने डीएनए टेस्ट की झूठी रिपोर्ट बनाई थी। जी हाँ, ये है मिस्टर नवीन दुबे, इन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाई थी डीएनए टेस्ट की। तो बताओ ये सब तुम दोनों का ही किया धरा था ना? इससे पहले हमारा बर्दाश्त जवाब दे दे, बता दो जो सवाल करेंगे। शांत रिलैक्स। अरे ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। फुल इनकी कुंडली निकाल के लाई हो। मीट मिस्टर नवीन दुबे, ये लैब में काम करते हैं, लखनऊ में अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, और ये है इनकी गर्लफ्रेंड साक्षी जो की एक एयर हॉस्ट्रेस है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत एकदम गुड़ी मुड़ी है एक दूसरे के साथ, लेकिन एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते। कहते हैं कि पहले जरा अपना करियर बना ले, जिंदगी में कुछ बन जाए, उसके बाद शादी विधि कर लेंगे। लेकिन इस प्यार की गुटरगू के चक्कर में हो गया बच्चा। ऐसा नहीं है हम बच्चा नहीं चाहते थे, पर फिलहाल हम शादी नहीं कर सकते हैं और ना ही बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, और बच्चे को अनाथ आश्रम में भी नहीं देना चाहती थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। और तब जाके हमें आपकी मेड मलाइका से आपके घर के बारे में पता चला, और ये भी पता चला कि आप लोग कितने अच्छे हैं। ये मैडम तो डेस्परेटली दादी बनना चाह रही है। और वैसे भी आपके हस्बैंड कई महीनों से दुबई में थे, तो हमने सोचा क्यों ना अपना बच्चा आपके घर पे दे दिया जाए, जहाँ उसकी अच्छे से परवरिश भी होगी, उसका ख्याल भी रखा जाएगा। पर हमें नहीं पता था कि इस तरह से अचानक आपके लल्ला, हमारे लल्ला और आपके लल्ला इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे और हमारा राज खुल जाएगा। नहीं, मगर लल्ला के आने के बाद भी तो ये सब होना ही था ना, ये नहीं सोचा तुमने? सोचा था हमने, पर हमें यकीन था कि तब तक आपको बच्चे से इतना लगाव हो चुका होगा कि आप उसको अपने से अलग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने आपका घर चुना। और हमें लगा तब तक कि हम किसी नई आइडेंटिटी के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी पड़ी थी ना। मैंने कहा था कि अनाथ आश्रम वाला आइडिया सही है, सब तुम्हारा किया धरा है। अब यहाँ पर तमाशा मत करो। तमाशा तो तुमने बना के रखा है। सॉरी मैडम, हमारी वजह से जो भी तकलीफ आपने उठाई उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। जो भी किया मजबूरी में किया, मर्जी से नहीं। खबरदार जो तुमने इस बच्चे को हाथ भी लगाया तो। तुम्हारे जैसे इंसान जो होते हैं ना, जो एक जिम्मेदारी को बोझ समझते हैं, उन पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते और ना उनसे कुछ उम्मीद कर सकते। तुम इस बच्चे के साथ फिर से छल करोगी, फिर किसी के घर के बाहर उसको छोड़ दोगी, तो तुम नहीं उठा सकती हो ना इसकी जिम्मेदारी, तो हम उठाएंगे। हम इस बच्चे का जिम्मेदारी उठाएंगे और हम इसकी परवरिश करेंगे इसकी असली माँ की तरह।
ये तो हुआ हमारा बात, अब कर लेते हैं कानून का बात। एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाने के लिए, उसके चरित्र को दागदार करने के लिए हम तुम दोनों को गिरफ्तार करते हैं। अब कोर्ट ही तय करेगा कि तुम दोनों का क्या करना है। समझ रहे हमारी बात को? संतु डालो इनको अंदर। डालो। हम देगा तुमको जवाब। चल करते कलर। अब करिश्मा सिंह क्या करने वाली है? कहीं कोई गलत कदम न उठा ले जिससे हमारा थाना मुश्किल में आ जाए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।